बात बोली है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। श्री सीताराम श्री रामलीला मैदान कठुआ में सभी का आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी बात पे है कि कल विजयदशमी है, जो दशहरा है वो हमारे यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में बहुत अच्छा मनाया जाता है और सबसे धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। तो जो इस साल का दशहरा है वो प्रतिभान्ति ईश्वरी, तो जो रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण जी के पुतले हैं वो भी काफ़ी बड़े होंगे, तो सभी से यही ध्यान रखें, क्योंकि पिछले दिनों अभी थोड़े दिन पहले हमारा जो न्यूज़ फ्लैशबैक हुई कि एक बम मिला है, तो उससे भी काफ़ी लोगों को असर पड़ेगा। पर लेकिन अपनी सावधानी जितनी हम स्वयं रख सकते हैं इससे अधिक कोई नहीं रख सकता। जिसको अगर कुछ ऐसी यूज़लेस आइटम्स दिखती हैं उसको आप जैसे भी जो भी उसके प्रिकॉशंस हैं उसको आप लेंगे, और साथ ही साथ में जो हमारा दशहरा है वो अपने ठीक निर्धारित समय पे शुरू होगा। और ईश्वरी एक सीन, क्योंकि हर वरी हमारा दशहरा चलता रहा कि हम एंड कंक्लूजन इसी में लेते रहे, कुंभकर्ण जी को उठाया जाता था, उसके बाद जो विजयदशमी है उसका जो आगे का नाटक था वो रखते थे, लेकिन ईश्वरी हमारा कुछ हटके होगा। हटके ये होगा कि कुछ संवाद, क्योंकि दोपहर को काफ़ी बंधु ऐसे होते हैं जो दोपहर को याद आता है, जिन्हें बहुत लालसा होती है कि हमने वहाँ पे जाके देखना है। कहीं तो कुछ ऐसे सीटीएम से होते हैं, कुछ बाहर बाहर से आए हुए होते हैं, तो रात को तो बेचारे अपने अपनी ड्यूटी पे होते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, कईयों को दूर हो जाता है। पर लेकिन दशहरे वाले दिन सभी बड़े यहाँ पर जन सलाब उमड़ता है, तो उनके लिए हमने एक रोल है जो लक्ष्मण वर्षी का रोल है, जो मेघनाथ और लक्ष्मण युद्ध है वो कल हमारा इसी स्टेज पे होगा। उसके साथ ही जो आगे का कार्यक्रम है वो वैसा ही चलेगा जैसे प्रतिवर्ष चलता है। सभी से यही निवेदन करूँगा, सभी अपने अपनी सुरक्षा स्वयं करें और सभी अपने अपने बच्चों को परिवार को साथ लेके आएं, और बच्चों का खास ध्यान रखें, कहीं भी ऐसी यूज़लेस आइटम आपको दिखती है उसको हाथ ना लगाएं, और डिस्टेंस भी अपना, क्योंकि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सभी से यही निवेदन है। बाकी यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम हैं हमारी रामनाटक सभा कठुआ, ये अपने सभी नियमों को जैसे भी उनका हमारा अपना सिस्टम है उसको तो वैसे ही हम लोग फॉलो करेंगे, पर लेकिन सभी से ये निवेदन करूँगा सहित परिवार आए, सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मेरी सभी को जय सीताराम। जैसे कि आपको पता है कि कल विजयदशमी है, तो आज हमारी नवमी है, तो मैं सभी शहरवासियों को, डिस्ट्रिक्ट कठुआ वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को माँ अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और विजयदशमी की हार्दिक बधाई। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी वर्षों से जो हमारे दशहरा है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसमें कुछ दो साल पहले जो कोविड था उसके चलते हुए हमारा दशहरा नहीं हुआ है, पिछले साल हमारा दशहरा हुआ था, तो उसमें हमारा जो हम लोग पहले करते थे कुंभकर्ण जी का, जो उसको रावण जी उठाते थे भाई चलो भाई युद्ध करना है, तो लक्ष्मण वर्षी जो है, तो हमने पिछले साल जहाँ की थी इस बार हमारी स्टेज पहले की दो तीन साल पहले जहाँ बनती थी ग्राउंड के सेंटर में वहाँ बनेगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी को आमंत्रित करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और इस विजयदशमी के जो उपलक्ष्य पर इन कलाकारों का जो है हौसला बढ़ाई करें। और हमारे जो कल के हमारे मुख्य अतिथि है वो संत समाज होगा, जम्मू कश्मीर का जो संत समाज है, जैसे हमारे लखनपुर किला मंदिर के महंत श्री श्री एक हजार श्री शांतिगिरी महाराज जी होंगे, जम्मू से हमारे संत समाज के जो संगठन महामंत्री राजेश बिट्टू जी होंगे, पूर्णिमा शर्मा जी होंगे, और भी हमारे जम्मू के जो 10-15 संत जो हैं वो आएंगे। और किस तरह देखते हैं, अभी एक फ्लैश न्यूज़ आई थी कि कठुआ में जो है एक टेररिस्ट पकड़ा गया है, और कल की जो दशहरा की तैयारियां हैं, जो कि बाहर से जो अपने यहाँ पर वो लगाते हैं कुछ सामान लगाते हैं बेचने के लिए, उन जो बाहर से आए होते हैं लोग जो अपना सामान लगाते हैं, उनकी जो है कितनी जो है वो उसकी वो की जाएगी सुरक्षा के लिए, उनके क्या क्या जो है वो आईडी प्रूफ जो है वो लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जो जितने भी हमारे यहाँ पे कोई रेडी वाला है, कोई फड़ी वाला है, कोई खिलौने वाला है, कोई भी अगर कोई जहाँ हमारे रामलीला ग्राउंड के अंदर कोई भी दुकान लगाएगा, मैं आपके माध्यम से इनको सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आएगा वो अपना आधार कार्ड हमारे पास जमा करवाएगा, जितने भी दुकानदार हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे कल जब दशहरा शुरू होगा
उससे पहले पूरे ग्राउंड का जो पुलिस है हर साल इसका पूरा निरीक्षण करती है, अपने बम स्क्वाड का पूरा जो दस्ता होता है वो लेके आते हैं, उसकी पूरी चेकिंग वगैरह होती है, उसके बाद ही हम दशहरा का जो प्रोग्राम है शुरू करते हैं। और मैं आपके माध्यम से पुलिस का भी बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ। आराम समय कितने बजे रहेगा ये बता? हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा दहन का समय होगा वो शाम के पौने छः बजे जब सूरज ग्रुप होगा, तो उससे 5 मिनट पहले हम लोग जो हमारा दशहरा है उसको दहन करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ एक हम लोग जितने भी हमारे कलाकार होते हैं उनको एक हम प्रतिमा देते हैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी की। जितने भी हमारे चीफ गेस्ट आते हैं, जितने भी हमारे कलाकार हैं, जितने भी हमारे मीडिया बंधु के हैं जिन्होंने हमें कवर किया 24 घंटे, हम सभी को सम्मानित करेंगे। संत समाज इस बार सम्मानित करेगा, संत की लीला अपनी अपरंपार है। संत समाज ही एक ऐसा समाज है जो हम लोगों का सभी का कल्याण करेगा।